कम से कम हमारे बच्चे पास हो, हमारा बच्चा पास हो, ताकि हमारे इससे रिलेटिव्स में उसमें ना ना कट जाए। उनको फिक्र उनको एक बोला कि ऐसा बोलते हैं, और स्कूल वाले क्या कि बोला टापरा 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 लेके आना, उनसे बोलते हैं टापर कहाँ से आता, हमको जाना है चार मीनार और जा रहे हैं उधर पुराने पुल की तरफ, फिर बस मिलता चार मीनार में जाने का रास्ता छोड़ के पुराना पुल गए तो फिर टापरा मिलते। तो ऐसा हमारा जो सिस्टम है वो टोटली डिफरेंट है। तो हमको यहाँ पर क्या करना है बताना, यहाँ पर अनसेट पैसेज उसमें सो आज करके जो करंट इश्यूज चल रहे वो सुसाइड एजुकेशन के फोर्स से एजुकेशन के ऊपर जो दबाव आ रहा वो दबाव की वजह से स्टूडेंट सुसाइड ज्यादा कर रहे हैं, वो टॉपिक रहेगा। उसके बाद में सीन पोएम तो आपके छह पोएम आए चलवाई वाला किंडर से शुरू करके अतिथि जनक मुला भक्ति तक पूरे छह के छह पोएम और छह के छह भाव में याद करना जरूरी है। और ये छह पोएम छह भाव में अगर याद कर लिए तो क्या बोलते हैं, मेरी 100% गारंटी आपको यू विल गेट डेफिनेटली 40 मार्क्स 40 मार्क्स आप आसानी के साथ गेन कर सकते हैं। जो भी अगर फेल हो सकता बिल्कुल नहीं आती बल्कि समझे से वाला भी आपको 28 के दिन आपकी एग्जामिनेशन है आपका 28 का 28 तारीख है आपका तेलुगु का एग्जाम रहेगा, नहीं लास्ट में है ना इससे वन का एग्जाम लास्ट में है ना, पहले मैथ्स का एग्जाम है ना, हाँ पहले मैथ्स का है लास्ट में, हाँ वो लोग मालूम है। तो पहले भी बहुत टफ सब्जेक्ट रहेगा फिर लास्ट में भी टफ सब्जेक्ट रहेगा, बल्कि रिजल्ट करके डिजाइन करके लगा दिए थे। लेकिन एनुअल एग्जामिनेशन का समय रहता एनुअल एग्जामिनेशन में फर्स्ट लैंग्वेज जो भी आपका उर्दू हिंदी तेलुगु क्या है वो रहेगा, सेकंड लैंग्वेज कंपल्सरी आपको सेकंड एग्जाम है। तो यहाँ पर मैं आपको ये 100% चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, ये 100% आपको ये बता रहा हूँ, अगर आप छह पोएम छह भाव लर्न कर लिए हुए तो 40 मार्क्स आप आसानी के साथ अपने जेब में ईमानदारी के साथ होगी, अगर चीटिंग मारे मेहनत के साथ आपके पापा के जेब में से 10 किलो मार के चोरी करके देखो क्या होता, दिन तमाम मलाल मलाल रे भगत बोल के ले लिए भगत बोल के ले लिए, पापा को मारते तो क्या बोलते, अगर पापा देख लिए तो क्या बोलते, क्यों पैसा फील करते ही है। लेकिन आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं रहता, हमारी क्लास में कोई भी पढ़ने वाला लिखने वाला जो बढ़ गया नहीं गई हम पूरे कामयाब पूरे पास, क्यों उनका देख के आपको लिखना है। जब लिखते समय भी बहुत सारे गलतियां आते रहते, पूरी क्लास से मैं जब पेपर आकर्षण करने जाता था वहां पर एक वर्ड आता था हत्ता और एक वर्ड होता था हत्ती, हत्ता का मतलब होता था मां सास मदर इन लॉ, हत्ती का मतलब होता था एक फैमिली नेम, जैसा कि आपके बयान जी ने आजादी दिखता हिंदी का इसका नाम है, ये कोशिश का नाम है निम्टे के से जब नहीं भाई काकी जो भी आ गया बोल लेता हूँ आजादी दिखता है इंडिया एक चीज याद है वो कोशिश भी कर तो नहीं कर तो बयान नहीं पढ़ा था ना तब तो सुनने में आया कर लिया तो पुण्य दे देता हूँ। सो इन द सेम वे ये फैमिली का नेम है ये अत्ती एक फैमिली का नेम है और लिखना रहता था अत्ती और लिखते थे सब लोग आता, ये एग्जाम्पल इस वक्त बता रहा मैं, अगर यहाँ पर कोई नहीं जैसे स्टूडेंट्स अगर है तो उसके अंदर एक लेसन है हास्य प्रवृत्ति बन गई, तो वो लेसन में क्या होता मुझे बोल रहा हूँ, किसी को लैंग्वेज नहीं आती वो लैंग्वेज न्याय से वाला अगर वो लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करे तो सिचुएशन कैसा रहता उसको एक्सपेक्ट करके उसको आप अपने होल सेंटेंस में लिखना है बोल के नाइन क्लास के स्टूडेंट्स अगर है, हमारे को तेलुगु नहीं आती कहीं मार्केट में चले गए वो उन्हें तेलुगु में बोल रहा हम तेलुगु में बोलने की कोशिश कर रहे हैं उल्टा सीधा सीधा उल्टा बोल रहे हैं। वहां पर बोला है अतड़ू अच्छा ही इज कमिंग
వస్తున్నాడు, అదే వస్తున్నాడు, హీస్ కమింగ్, అదే వస్తున్నాడు, ఆమె వస్తున్నాడు, వరకే బోర్రే యాప్ హీ ప్రాపర్ అతడు లిఖిన యాప్ శిల్పు ఆమె జే అతడు చెప్పిన గ్రాఫ్ లాస్ట్ మ్యాప్ వస్తున్నాడు కొలిగే కొండత యాక లాస్ట్ గా వాడు పెట్టు వాత ఈ ఆమె వాతాతో ఈ లాస్ట్ గా వాడు పెట్టే నది ఆ హలో Supriya, thank you. Focus once again. But providing us a sache. ये सारी चीजें, ये कुर्सियाँ, टेबल, चेयर, ये पूरे अरेंज कर रहे हैं आप सब लोग ये. सब लोग यहाँ पर खड़े पर ये फोकस पर के लिए क्लैप देना जरूरी है. हर वो चीज़ जो चाहे वो काला बैग बना हो तो काला बैग ले जाके दे रहे हैं और ये बड़ा बैग बना हो तो बड़ा बैग ले जाके दे रहे हैं. हेलो सुनाई सुनाई दे रहा है तो यहाँ पर आमे वस्तु नाड़ो बोल के आमे वस्तु नाड़ो शीश का ये यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर लिबरेट हो जा रहा है. तो ऐसी बात है जब सामने वाले से बात करते हैं तो क्या होता सामने वाला आपके तरह था समझे ना. अगर किसी को उर्दू नहीं आती वो चारमीनार को अगर आ गया चारमीनार को अगर आके उन्हें क्या करना तेलुगु वो हिंदी को अपने उर्दू में बात करने की कोशिश करता तो सेम उसका प्रॉब्लम भी वैसे रहता. सो उस वक्त यहाँ पर लैंग्वेज का लर्न करना जरूरी है. लैंग्वेज इतना लर्न करके लैंग्वेज को जितना वोकैबुलरी आएगा आपका तेलुगु का एग्जाम तो विदिन हाफ एन आवर आप एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर हो जाएंगे. तो चलिए उसके बाद सामने आप क्या करते हैं ये अनसीन पोएम के बारे में बता रहा था मैं. सॉरी सीन पोएम के बारे में बता रहा था. सीन पोएम आपको छः पोएम लर्न करना है. छः पोएम अगर आप लर्न कर लिए छः भाव में लर्न कर लिए और आप 40 मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं आप आसानी के उसका मैं तरीका भी बता दूँ. ये हो गया. उसके बाद नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन आंसर सेशन. ये जो क्वेश्चन आंसर्स में आपको मिलेंगे ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स और इसके अंदर कंपल्सरी एक इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट आपको पूछने वाला है. अभी कितने इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट याद करें आपका होलगम वाली छात्र जी के बारे में तो कोई में कोई बोल रहे थे ना मेरा सुना होलगम वाली छात्र जी के बारे में अरे वाना मामले वाला चल रही है एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में ये पूरे सुने सुनाए से दिख रहे हैं क्या तो ये बड़ा है नहीं है. सो कितने याद करें दो बोलते बोलते इंपॉर्टेंट राइट टिक जो इंपॉर्टेंट आपके टीचर टीचर के लिए वही पढ़े होंगे नहीं. हाँ टीचर को मालूम एग्जाम में यही जाने वाला है. सो कंपलसरी एक आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है वो इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट का रहेगा और एक जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है वो इसी एक 6 पोएम में से रहेगा मैं बताता हूँ क्या. उसके बाद में अभी जो क्वेश्चन है वो दो क्वेश्चन आप एक वर्कशॉप लेसन में से कंपलसरी आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला है और रही दूसरी बात परिष्कार लेसन से और एक क्वेश्चन कंपलसरी 4 मार्क्स का पूछने वाला है. इधर मेज मेज बोलो हेलो चंदन प्लीज मेरे से बात करो. अगर कुछ पूछना है तो सर आपको मालूम क्या इतना परफेक्टली कैसा बोल सकते हो कि मेरे से बात करो उनसे बात कर देंगे नहीं मेरे से बात करो बात करता हूँ. उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन है. यहाँ पर तीन ऑप्शन दिएगा तीन भी देता हमको लर्न करना है 7 टोटल लेकिन फिर हम क्या करेंगे थोड़ा एक दो तीन ही याद कर लेंगे हमारे 4 लेसन
जो चार लेसन है वो चार लेसन में जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया जो करोड़ों के बोला गया और उसी टॉपिक के ऊपर हम यहाँ पर क्या करेंगे ये तीन चीजें लर्न कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया सब? एग्जाम ये पूरा एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा रहेगा उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा अभी ये 40 मार्क्स कैसा गेन करेंगे मैं आप लोगों को समझा। अभी आपका ये पोएम है लास्ट में लोग दिख रही थी व्यक्ति का वो अगर मोबाइल में नंबर है ना जब हम क्या करते हैं अब हमारा वो एक्साइटमेंट कैसा रहता है उस टाइम पे बोलते हो
वो पूरी बात सुनने के लिए हमारा दिमाग हमारा माइंड काम नहीं करता। ईशा नंदा किशोर कैसा डेफिनेट यही क्वेश्चन पाने वाला है, इसको ईशा आवाज को मिलता, ईशा नंदा किशोर आवाज को मिलने वाला नहीं है, हम वो सुनने के मूड में भी नहीं रहते। सो दैट्स व्हाई यहां पर जो भी टीचर पढ़ाते समय पे लिखाते समय पे आपका कॉन्सेंट्रेट पूरा फोकस पर इसके ऊपर रहना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप पढ़ा रहे हैं आप लोग लिखने जा रहे हैं तो यूज हो दो काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक बता रहा हूँ यहाँ पर ये बंधन यहाँ पर इसके अलावा एक स्पीड एंड एड कल्चर एंड इंग्रेजी से आपको ग्रामर डिस्कवर भी बताते चले आ रहा हूँ। क्या होता है यहाँ पर ये बंधन नमलो नम लाइना बंधन नमलो प्लस आईना बंधन नम लाइना ये उपसंधि में आता है ना ही मैं कैसे अलग से ना कोई वर्ग से ढूंढ के दे रहा हूँ ना किससे मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ये आप इसी को एक विषय है। यू विल गेट वन मार्क फॉर दिस एंड सेकंड ले मी ये जो ले मी का वर्ड आएगा इसको आपको मिलेंगे यहाँ पर इसका मतलब होता है केदर इकम पावर्टी यहाँ पर मीनिंग बन रहा है। यू विल गेट अनदर वन मार्क फॉर दिस। उसके बाद है मान धनलु यहाँ पर मानवनु धनिचे वारु तो यहाँ पर ये जो मान धनलु ये जो वर्ड है एक मीनिंग बन रहा एक कौन सेंटेंस बन रहा सवंत वाक्य बन रहा है ये ले ली यहां पर भी एक मीनिंग बनता है यहां पर एक कौन सेंटेंस भी बनता है यहां पर कितने मार्क्स हो गए ये एक मार्क हो गया ये एक मार्क हो गया। अगर आपको मीनिंग में पूछा तो यू विल गेट वन मार्क पर यहां पर मीनिंग में पूछा तो यू विल गेट अनदर वन मार्क पर दिस। अगर वन सेंटेंस अगर पूछा तो यू विल गेट अनदर वन मार्क पर दिस यहां पर भी वन सेंटेंस अगर पूछा तो अनदर वन मार्क पर दिस कितने मार्क्स हो गए ये एक प्रिंट करो ऐड करो ये दो ये तीन मेरी सगर दे दिया फिर इसको वन सेंटेंस में कन्वर्ट करो तो ये फोर अगेन ये फाइव ये फाइव मार्क्स आपके यहाँ पे फ्री में आए सो ये कोई वर्कबुक में कोई इसको उसको पढ़ के करने की जरूरत नहीं यानी दर प्लेस फाइव मार्क्स यहाँ पर। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करना है इसको इसका एक भाव लिखना है
अब इसके अंदर आपको एक क्या करना है, क्वेश्चन पूछता है 4 मार्क्स का। మానధరలు ఎవరు ఎందుకు మాట తప్పరు? అగర్ ఈ క్వశ్చన్ అని గాయ్స్ విల్ గెట్ 4 మార్క్స్ ఫర్ దిస్। ये जो क्वेश्चन है इसी में से यही टॉपिक को लेकर यहां पर एक क्वेश्चन पूछता है। यहां पर हमको
जो हमारा टेक्स्ट बुक में जो कुछ भी है उसको पूरे टेक्स्ट बुक को पूरा हिप्स कर लेना जरूरी है, ना ही वर्कबुकों को पसंद ना करो। समझ में आ गया? अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया जाता है, ये क्वेश्चन आपका एक मार्क्स का हो गया, तो कितने मार्क्स आ गए? एक एट मार्क्स का क्वेश्चन मिल गया, अगर यहाँ पर फोर मार्क्स का क्वेश्चन मिल गया, एट प्लस फोर कितना हो गया? 12 मार्क्स हो गए, 12 मार्क्स हो गए, अब ये कितने हो गए? 10 मार्क्स हो गए, कितने मार्क्स हो गए? बस टाइम पास हो गए ना। अगर आपके किस्मतों में साइन अगर एक ही पोएम अगर आ गया, एक ही पोएम से ढाई सौ क्वेश्चन अगर दो एक दो क्वेश्चन भी अगर आ गया, तो ये हिसाब से मैं आपको छह पोएम और छह भाव याद कर उनके मुझे 40 मार्क्स नहीं मिलते। अगर किस्मतों में पढ़ाई तो भी पोएम अगर आ गए तो 35 मार्क्स मिलते उसमें। हमारे पास समझाने के लिए टाइम नहीं है। अब इसके अंदर क्या है, हमारे बच्चे और छूप छो किस हमेशा से वो समस्या के वो रहते हो, तो बट जब भी समस्या की क्लास है उनके वो तो बगैर बोले की बात कहते हो ना, वो कहाँ से व्हाट्सएप पे देख लेते हैं, कहाँ से फेसबुक पे देख लेते हैं, क्या क्या हो बोले, तो बच्चे वो वो कैंडिडेट वो है, तो इससे पहले आप हमारे क्लास में अगर हफ्ता से ईशान अंदर किशोर अवस्थी बोले पूरा नाम बता रहा बच्चा, नहीं तो किसी बच्चों को पूरे लोग बोल देना नहीं बोलते, अब वो याद रख लिया निशान अंदर, हाँ समझदार की क्लास में इससे पहले मैं सुनाता हूँ, 10 रुपये नहीं देने वाला हूँ मैं तुम्हारे चीटिंग करके बोल दिए तुम्हारा है, चलिए अब यहाँ पर ये फोर मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, एट मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, ओके उसके बाद नेक्स्ट इन द सेम सेंस साहब पानी वहां, अरे नोट करने का मौका देना था आप लोगों को, ओके जाते थे नेक्स्ट नेक्स्ट आ रहे थे। क्योंकि फोर मार्क्स का क्वेश्चन आपने भी बताया मैं पोएम में से लेने वाला है बोल के,
छह पोएमा जो है, छह पोएमा के भाव में अगर आप लर्न कर लिए तो आप यहाँ पर अभी फर्स्ट पोएम जो है चंदवाड़ी पॉइंट में वो आइए, यहाँ पर छतुर के बारे में दे रहा। सेकंड बड़े इंद्र दुर्बल के जो पोएम है ये बड़े इंद्र, हेलो पूरी दुनिया में सब सही है, सालम कानपुटी और जो सुना था हाँ, किधर कहीं भी परेशानी हो रही है, इधर देखो ना सामने ऐसे परेशान लग रहे हैं, पूरे इधर भी सोच रहे हैं कश्मीर में उठ रहे क्या, हम भी पागल तुम भी पागल, दिल दीवाना है दिल तो पागल है गाना कर, ऐसा तो नहीं हो रहा, नहीं ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आजकल बहुत व्यवहार अपना खराब चल रहा है। तो एक ही मतलब है, पागल पागल है दीवाना, जब दीवाना पागल में क्या मतलब है समझ लिया, वो एक एटा गाल निकलते आ रहे हम ना गलत चले। तो ये फर्स्ट चतुर्वाणी मॉडल के अंदर जो पोएम है वो पोएम है चतु के बारे में है, सेकंड भले के लिए दुर्बल लघु पोएम है, समझे ना, उसके अंदर उतना इम्पोर्टेंट उसमें मवाद नहीं दिख रहा उसके अंदर है यार, अल्लाह ताला कमजोरों को भी उतनी ही ताकत देता, ताकतवरों को भी उतनी कमजोर उतनी ही ताकत देता बोल के वहां पर समझाया गया। जैसा कि एक छोटी सी एंड है, वो एंड एक बड़े से बड़े हाथी को आसानी के साथ मारना सकती, अल्लाह ताला चुंडी को वो ताकत दिया वो हाथी को मारने की, हाथी के सुन में जाके अगर काटना शुरू कर दी तो हाथ की तलवार आके वो सुन को दे दीवारों को जिसके ऊपर पहाड़ों को मारने के मारने के मर जाता है, अल्लाह ताला की नेमत है। और यहाँ पर प्रकृति के बारे में अगर आपको लिखना है तो एक एग्जाम्पल लिख सकते आप, नेचर के बारे में अल्लाह ताला की देन है, ये नेचर है ये, तो यहाँ पर क्या बना है छोटे से छोटी चुंटी को भी उतनी ताकत देता अल्लाह ताला जितने एक हाथी को ताकत दिया है, हाथी क्या करता बड़े बड़े झाड़ों को अपने क्रेना जो जेसीबी प्रोक्रेनर्स होते हैं ना वो कैसा उठा के फेंकता है वैसा उठा के फेंक देता हाथी उतनी ताकत में, फिर वो छोटी चुंटी है उसके बाद कोई ताकत नहीं है जो जाड़ के बोले तो मर जाती उन्हें, अल्लाह ताला उसको भी उतनी ताकत दिया कि हाथी को मारने की, हाथी को मार डालने की जबरदस्ती अल्लाह ताला दिया। तो यहाँ पर ये जो पोएम है इसके अंदर बहुत बड़ा मवाद है लेकिन क्वेश्चन ना वो उसके अंदर से ऐसा फ्रेम नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट पोएम है पराइतम, पराइतम का मतलब है इतना तक मेरी चाहिए वालों सौ की मदद करना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर एक का क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद है फोर्थ पैर, अभी बताया था महानंद जबर बोलते, उसके बाद में अन्न महीना तक क्रम जो पोएम है फिफ्थ पोएम, उसके बाद में आना जो पोएम है उसके अंदर अतिथि के बारे में दिया गया और अतिथि जनपुरा भक्ति जो पोएम है वो भी अतिथि के बारे में दिया गया। तो यहाँ पर ये अतिथि के बारे में एक क्वेश्चन बन सकता है। दिस टाइप ऑफ रिलेशन शुड बी कम्स टू इन योर रिलीजियस माइंड। सो यहाँ पर ये चार भाव मार्ग कंपल्सरी याद करना है, चार भाव मार्ग अगर लर्न कर लिए आप यहाँ पर आसानी के साथ इवेलुएट अनदर फोर मार्क्स। यहाँ पर जो भी मैं समझाते जा रहा हूँ ये परिष्कार और वकाशुड़ी विजुअलेशन में से एक क्वेश्चन आने वाला है। अब यहाँ पर परिष्कार में सबसे एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बताता हूँ मैं, अब दूसरे क्वेश्चन आप करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। एक क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में, एक क्वेश्चन ये दे दिया गया मंची मुस्लिम कुंड वचन लक्षणाली देवी, वो गाने चल रहा है देखो बड़ा कितने बन गया है, हाय ये क्वेश्चन है आप लोगों के पास मंची मुस्लिम कुंड वचन लक्षणाली देवी
आपके टेक्स्ट बुक में आए बेटे, लो आपके टेक्स्ट बुक में आए ये क्वेश्चन। तो कहीं नोट कर रहे, ऊपर का नोट कर रहे। मैं आप टाइम देता हूँ, पानी पीना है, जब तक मैं पानी देता हूँ आप नोट कर सकते। ओके, तो यहाँ पर मंच मुस्लिम को उठा वर्ष रक्षा में ये भी जो क्वेश्चन है, ये आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक अच्छे मुसलमान की खासियत क्या है? हाँ, नमाज पढ़ना, कुरान पे भरोसा करना, झूठ नहीं बोलना। लेकिन हम हमारे सुबह होते झूठ से, जब तक हम झूठ नहीं बोलते हमारा खाना हजम नहीं होता। अच्छे मुसलमान है हम लोग, पांच वक्त की नमाज पढ़ना है लेकिन एक वक्त के बराबर नहीं पढ़ते। खैर चलिए, ये तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम वो चीज क्वालिटी से यहाँ पर एक 5 to 7, 7, 8 टेक्स्ट बुक में सिर्फ दो लाइन का आंसर है, दो लाइन का आंसर काफी नहीं है। यहाँ पर टेक्स्ट बुक के आंसर के अलावा हमको अलग से आंसर होना है। साथ थोड़ा इधर बताए नहीं, यहाँ पर चलो नोट कर ले। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर यही क्वेश्चन में मत परमाने भूल कुंडवस लक्षणा
भी है, ये बोल के देता है यहाँ पर। ये कौन है? इन्हें एक रिलीजन के, इन्हें एक रिलीजन के, इन्हें एक रिलीजन के। तो ये भाटा परम मैंने बोलूँ रिलीजियस प्रीचर्स टेम्पल में पूजा किए सबको आए सवाल और गए सवाल को कुछ सभी बताते था सब जाते था इमाम साहब है मस्जिद में बैठ के खुतबा देते बयान करते और जो हमारे फादर है इधर भी चर्च में बैठ के इधर भी बयान करते थे बोलते रहते करते फिर हमको आंसर कैसा करना है इजी टेक्निक क्या हो सकता इसके अंदर एक कुरान को अगर हटा देंगे एक कुरान को हटा देंगे नमाज पढ़ने के अलावा हटा देंगे बाकी पूरे पानी सफर आप लिखती है वो क्रिश्चियन के लिए भी वही है हिंदू के लिए भी वही है हिंदू आज झूठ बोलो बोलते बोलते क्या कोई भी नहीं बोलता झूठ कोई भी बोलो बोलते नहीं बोलता तो यार रिलीजियस पिक्चर जो है गुलाम की खासियत क्या है एक अच्छे मुसलमान की खासियत क्या है अभी बाकी दोनों को छोड़ देना उन्हें अच्छे हिंदू की खासियत बोल के पर्सनली नहीं पूछता और अच्छे क्रिश्चियन की खासियत क्या है बोल के पर्सनली नहीं पूछता तो क्वेश्चन पूछता तो क्या पूछता उन्हें ऐसे रिलीजियस पिक्चर्स को रहने की खासियत क्वालिटीज क्या रहना चाहिए बोल के तो जब ये क्वालिटी सब दिखाई दी के तो आप ये पूरा मेरे एप्लीकेबल नहीं होता सब लोग क्रिश्चियन में जो वो गिफ्टा होता देते गरीबों को ड्रेसा ऐसा देते वो लोग जकात वगैरह करते हो सब 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 से अब वहां पर एक मुसलमानों में जो है हम यहाँ पर कुरान बदला विश्वास उनका लेकर जो है ना हम वहां पर क्या कर सकते हैं भगवत गीता कुरान बाइबिल पढ़ना विश्वास उनका लेकर तीन के दिन डाल सकते हैं तीनों को मिला के लिए सकते सो भाई वन गेट टू आंसर फ्री एक आंसर याद करें दूसरे ऑटोमेटिकली फ्री मिल रहे हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन हम याद कर रहे हैं लेकिन आप क्वेश्चन घुमा फिरा के देना तो आपको ये आंसर लिखना है This type of questions will come in your SAVAR examination. Upload the link in video. इसके पास है वो किताब वो? और ये जो किताब है ना मैडम ये किताब ये साल मुझे दी है अगले साल मुझे दी है जितने साल ये किताब जिंदा रखी जब तक कोई सेम पेपर आपको मिलेंगे इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं लिखेंगे और ये जो मेरा मेटेरियल है ये मेटेरियल में आप एक साल में ढूंढे तो दूसरे साल में जो क्वेश्चन ढूंढे तो नहीं मिलता यहाँ पर हमारे पास एक गवर्नमेंट के सर भी आए हुए हैं इंशाल्लाह उसके उनका बेटा लास्ट ईयर भी पढ़ा था सर ये मेटेरियल अलग है क्या तो बिल्कुल अलग है उनके बोला लास्ट ईयर भी एक मेटेरियल दिया था सर को उनका और एक लड़का भी आया हुआ है गवर्नमेंट टीचर है वो तो उन्होंने बोले सर ये मेटेरियल अलग है तो मैं बिल्कुल अलग है बोल के बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये अपडेट की जरूरत है ये सिलेबस में टोटली अपडेट होना जरूरी है आउटडेटेड नहीं रहना है एक बार अगर आ गया क्वेश्चन तो आने वाले 10 साल में वो क्वेश्चन रिपीट होने वाला नहीं है मैडम ये जो सीसी सिलेबस में कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यू एवेल्युएशन में अगर एक बार कोई क्वेश्चन अगर रिपीट हो गया तो आने वाले 10 साल में वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होता फिर आप बोलेंगे सर क्वेश्चन रिपीट नहीं होता फिर कहाँ से आता है ये क्वेश्चन क्वेश्चन को उन्हें घुमा फिरा के देता लेकिन अब जैसा कि एग्जाम में यहाँ पर लिखे पर मंची मुस्लिम पूर्ण नमाज में अच्छा रब ये क्वेश्चन अगर एक बार दे दिए यही क्वेश्चन मंची मुस्लिम पूर्ण नमाज में अच्छा रब ये दिए जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन को यही क्वेश्चन तो यही रहेगा इसका आंसर भी यही रहेगा लेकिन क्वेश्चन इसको घुमा फिरा के एक क्वेश्चन के बदले में घुमा फिरा के दूसरा क्वेश्चन देगा जब घुमा फिरा कर दिया था उसका आंसर यही चाहिए बोलते हमको समझने की काबिलियत अगर आ गए तो हम आंसर लिख पाते पता नहीं तो हमको हम ये पढ़ने के लिए तो ये क्वेश्चन दिया है तो छोड़ के अच्छा क्या है यहाँ पर असल की जरूरत है दिमाग का इस्तेमाल करना जरूरी है वो चीज करके आ तो आसानी के साथ 80 आउट ऑफ 80 मार्क गेन कर सकते हैं रात में नींद नहीं बदलती नहीं पिछले 2 बजे रात तक फेसबुक पे नहीं थे 2 बजे रात तक फेसबुक पे रहे तो नींद नहीं आती क्या आती सत्यनारायण की कथा बोल रहा हूँ मैं तुम्हारे को आप जो सो रहे हैं आराम से हैं बोले स्कूल से
बात लोग ऐसे क्वेश्चन लोग पूछते सर हम फोन चढ़ते थे तो अपने होम में प्रिपेयर करना हो तो क्या करना होते मैं बोला सिक्स क्लास से सो के डबल बेड फ्लोर के सो के अब एकदम जान जाके मैं होम चढ़ते थे तो अपने होम से प्रिपेयर करता हूँ क्या होते तो मैं हंसी आती है लेकिन हम उनको जवाब देना जरूरी पड़ता उसको मुझे बोलना ही पड़ता ऐसे भी लोग हैं चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अभी कितने मार्क्स बताया था हमें फोर मार्क्स में पूरे कंप्लीट हो गए फोर तो 16 मार्क्स कंप्लीट हो गए आपको दिखाई दे रहा इधर जगह है ना इडियट्स ऐसा कोने तो जगह तो नहीं सारे जगह दिख रहा ठीक है उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास 8 टू द 16 मार्क्स रहेंगे यहाँ पर 8 टू द 16 मार्क्स का जो क्या बोला मैं हमारे पास 6 पोएमा है छह पोएमों के भाव अगर आप लर्न कर लिए उन भावों में से छह पोएमों के भावों में से एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता और हमारा जो वर्षालु जो पोएम है वो वर्षालु पोएम लेसन में से 8 मार्क्स पूछे जाते तो ये वर्षालु लेसन की जो समरी है पूरी समरी याद करना पूरी समरी याद करने बाद में क्या पूछा वर्षालु पाठक प्रारंभ में राय टेबल के नहीं पूछता हमें वर्षा रिलेशन की समरी लिखो पर के नहीं बोलता वो ये बारिश पड़े तो क्या क्या होता बोल के लिखता और आपका आंसर अगर आप नेगेटिव में है आप अगर नेगेटिव आंसर लिखे तब भी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं पॉजिटिव मार्क्स मिलने वाले हैं पॉजिटिव लिख रहे हैं आप लोग तब भी आपको मार्क्स मिलने वाले सर आप नेगेटिव लिखे तो कैसा मार्क्स मिलते हैं जैसा कि जब बारिश होती है वहां पट्टा पड़ोगे तो एम सी आर सुनने वाले क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में जब बारिश होती है बारिश पड़ती तो आपको क्या करना नहीं बोलता हाँ ये बनाते कभी ऐसा बोलते कस्या बनाते बारिश में भीगना नहीं बोलता गरम गरम पकौड़ी खाना नहीं बोलता मूंगफलियां गरम करके खाना नहीं बोलता क्या क्या की सवाल करते लेकिन आपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि क्या सही भी हमारे हैदराबाद के शहर में अगर बारिश पड़ी तो कस्या छोड़ना नहीं बोलता या बारिश में निकलना नहीं बोलता निकलना नहीं बोलता गंगा जमुना सरस्वती पूरे बहते रहते तीन तीन जगहों से और उसके अंदर इतने मछलियां दिखते रहते इतने मछलियां दिखते रहते अब उसके अंदर हम दिल दिल बोलता हमारा जाना आना जर्रा बारिश पड़ी बोल के बोलते पूरे नदियां के साथ बोलते रहते पूरे ड्रेनेज आप पूरे अब उसके अंदर डांस करना नहीं बोलता मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ जस्ट हिंट दे रहा हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आप पूछता होगा कुछ बोल सकते आप हाँ रामेश्वरम के बारे में पूछता बोल के बोल रहे हैं क्या बोल के पूछता रामेश्वरम के बारे में रामेश्वरम ब्रिज राइट बोल के क्वेश्चन पूछता क्या तो किस टाइप का क्वेश्चन पूछता होगा रामेश्वरम के जैसे प्लेसेस को आप कभी भी कहीं भी देखिए क्या देखे तो कहा देखे बोल के पूछता लेकिन रामेश्वरम का डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं पूछता लेकिन कितने लोग रामेश्वरम का आंसर याद करे हुए हैं कोई याद करे हुए है रामेश्वरम कोई कौन सुना सकते हैं कुछ भी सुना सकते गलत भी बोल सकता सर मैं रिवाइज करते हूँ सर फिर एक बार पेपर पूरा पढ़ के उसके बाद में बोलते नहीं आप बोल सकते कुछ भी बोल सकते थोड़ा बोल बोलते चलता ठीक है आप यहाँ पर क्या हो रामेश्वरम की जगह कोसा में एक लोकेशन दाते सर कोसा लोकेशन दाते फिलहाल हमारे पास तेलंगाना में याद आते बोल के याद है कि कुत्ता बोलते Want to introduce to you a very novel. The State Council
for Education Research and Training SERT has already recommended lot of changes in the way we teach textbook readings, the way we transact discourses, the way we transact grammar in a classroom. So they have also recommended a very modern and holistic approach to grammar. Traditionally, we learn grammar by learning parts of speech. You all know what parts of speech are, right? We have 8 parts of speech in English. And we study one after the other. Then probably we go to types of sentences, we go to clauses. Then we move on to figurative usage. So this is how traditionally we learn grammar. But the problem with this method is you are not able to connect to different elements of structure. Grammar or structure is same. When you talk of structure, is my language clear? Yes. Are all able to understand what I am talking? Yes. If you have any problem with audibility or my language is not clear, let me know. So, structure of language makes your sentences correct, makes you speak correct language. And then when you contextualize that, your fluency also improves. Now why do you need to learn structure? Why do you need to learn English grammar so comprehensively? Though in today's textbooks, the grammar is not having a continuum, it is not having relation from one unit to the other unit. The grammar of the readings that you have in that unit. In English textbook, if you see, you have 8 units. Then you have most probably 3 readings in one unit. That means you have some poems and about some readings. You have essays, you have poems, you have articles from different sources. Then you have some interesting short stories. You have some plays. Now when you talk of grammar, you are dealing with the grammar that is available in those texts. That is good because you are limiting the structure that you want to study. You want to understand the structure that has been used to write a play. You want to understand the structure that has been used to write a report or write an essay. So that is good. But most of the students I see are not able to make connection between different elements of grammar. And the problem magnifies, the problem becomes big when you come into clauses. Clauses are also sentences. They are also sentences. But clauses are sentences on which other sentences depend or may not depend at times. But somehow clauses are parts of bigger and complex sentences. And if you read a newspaper report, you read a journal or an article, you will see that these articles, journals, these highly qualitative literary productions like journals, articles, newspaper editorials, these things are written in longer sentences because through these articles somebody who is an expert is trying to convey a very complex or a new idea to an audience who is seeking to become aware of it. So
Even if you read novels, even if you read books, non-fiction, fiction, you will have more and more bigger and bigger complex sentences. In your social studies textbook, in your English textbooks, in other textbooks also, you will find that concepts which are abstract, concepts which are difficult to understand at one go, are written in a language which needs to be broken down into clauses and then understand. So, now again, when you deal clause is a group of words. So, when you deal with clauses, then the whole one clause behaves like one part of speech. You take an adverbial clause, it will behave like an adverb. Whole group of words. I would want you to pay attention to this because this is something new. A whole group of words behave like an adverb. Now, in traditional method, we studied adverbs. Adverbs are words. Certain types of words that modify actions. Then you have adjectives. Certain types of words that modify nouns, or the quality of nouns. But now you will have groups of words. When you deal with clauses, you will have groups of words. These groups of words behave like parts of speech. They, a set of words behave like adjectives, a set of words behave like adverbs, a certain set of words behave like prepositions. You have prepositional phrases, you have adverbial clauses, you have adjectival clauses, and therefore you deal with complex sentences. But you just can't give up saying these complex sentences are too complex to understand. I cannot understand complex sentences because there are sentences nested in a sentence and there is one more sentence nested inside it. So there is a lot of complexity. The complexity is because of the idea, not because of the language. So if you get the power and the skills to break down, I would like to pay attention. If you get the skills to break down those complex sentences and understand each one through sentence diagramming, then the whole exercise becomes easier, very meaningful, and most probably you will learn grammar more quickly. Through sentence diagramming, you will learn grammar more quickly than the traditional way. For example, if it takes 1 year for you to learn or master English grammar, through sentence diagramming probably you will be an expert within 3 to 4 months. That is what I experienced till now. Most probably somebody will differ from me. But it gives you a very holistic picture, a complete picture. Now imagine yourself as a car designer. Let's say sports car designer. You want to design a sports car. So you need to have a very clear idea about the whole picture, that is how the car is going to look like. And you should also have a very clear idea about the individual parts that make up the whole car. Fair enough? Do you agree with this? If you are an engineer of that level, car designers, that is why car designers are paid in millions of dollars. Car designer is not a small job. Successful car designers are paid in millions of dollars because they can see the whole picture and then they can see individual parts and details that fit inside that whole picture and complete the whole picture. Now for example, let's say you don't have the idea of the whole picture. You're not very perfect at, or let's say
you are not bothered about having the whole idea, and you are only interested in individual parts. You are interested in designing the gear, box, clutches, brakes, hydraulics, steering, seats, and you are so interested in designing them in detail that you design, but when you put them together, the car doesn't appear, something else appears. You get a shape which is not that of a car. Maybe you get a box. So you are, if you cannot see the whole picture, you cannot fit individual parts into it. That is why this method, sentence diagramming, allows you to see the whole picture of them, and also at the same time, parallelly, allows you to deal with individual parts. You can actually pinpoint and identify the role of an adverb or an adjective. You can at the same time separately identify how clauses behave like adverbs or adjectives or prepositional phrases. So then the whole experience of learning grammar is very holistic. You become expert. So what are sentence diagrams? Sentence diagrams are like x-rays of the sentences. You have any problem with your, let's say for example, I broke some of my bones in this hand, so I don't know which one. So I will take an x-ray and I will try to see which one is exactly broken. I cannot guess and start working on it. You know what happens if you do guessing in the medical field, right? You cannot guess and treat people. Very dangerous. So what you do is, to be exact and to be sure, you take an x-ray and you exactly know where the problem is and you solve that problem. That is how we do it naturally. Sentence diagrams give you the x-ray of a sentence. So you will exactly come to know the inside of a sentence. And then it builds your ability to write those complex sentences and also render them grammatically correct. It's a very powerful tool. Today, we don't have much time left, so I'm going to introduce you to some of the basic templates. It requires many hours of classes to master those diagrams. But those diagrams are not to be memorized. Those are logical diagrams. They automatically come to you if you just know some basic rules. But most importantly, as I always say, knowing is not enough. You need practice. But again I say, practice is not enough. What you require is passion. If you don't have passion, you don't have that desire, that fire inside you to learn new things, then you will know for some time, then it will be a forgetful memory. And then one day you will recollect, yeah, I remember, something like that was taught. But if you do it very passionately, you become expert in that field. Once you complete this course of sentence diagramming, you will never have problems with grammar in your entire life. That is why. So, sentence diagramming makes your grammar visual. It takes you away from that monotonous exercises of fill in the blanks and multiple choice and rewrite. You have this kind of exercises in grammar, right? Rewrite with suitable verb forms. Identify the verbs. Fill in the blank with proper form of adjective. So it takes you away from those kinds of exercises and brings freshness into your approach to grammar. So let's begin with sentence diagramming.
Now before we exactly understand how do we use these templates for sentence diagramming, I want you to understand that in English, broadly there are two types of sentences. One sentence tells you, now this part of the topic is very important because then you will understand how templates differ. So I would like everybody to pay attention because I think we don't have much time left and we are going to finish it in another 15 minutes. Okay. So you don't have much time left. So we have broadly two types of sentences. We broadly speak in two ways in English. You are actually, if in one way you are talking about somebody or something being something. Being something. For example, today is a nice weather. So you are talking of today and you are telling what it is. It is being a nice weather. Or let's say you are saying my friend is an artist. So you are talking about a friend and saying that the friend is an artist. This friend is being an artist. So you are talking of, in one way you are talking of somebody or something being somebody or something. Then there is another way of talking, another way of expressing. You say somebody or something is doing something, is doing something. You are talking about the action that someone is doing, have done already, is doing now, just finished it, whatever. In whatever tense it is, in whatever time frame it is, you are talking of somebody doing something. So you have first type of sentence, which is a noun based sentence, which is a noun based sentence, nominative type of sentence, because you are talking of somebody or something being something. And then you have another sentence in which somebody or something is doing something. So, do you all agree with these two types of sentences mostly being used when we talk, when we communicate? Okay, clear idea? Two types of sentences, noun based and verb based. Somebody doing something. And the second one is a verb based sentence. So, when you talk of this part, you see that we have a basic template. We have a baseline, a horizontal baseline. A horizontal means goes from left to right. Horizontal baseline. And then we have a small vertical line going from top to down. Right? It is bisecting here. So we have then two parts in the template. The left side of the template is reserved for subject. This is where you will have subject. And that is where you will have the other part of the sentence, which is called predicate. Predicate is mostly sentence into this diagram. It becomes visually easier to know that subject comes here and predicate goes there. So you can actually see that subject comes on the left side and predicate goes on the right side. These are some of the hints to identify subject. Subject usually answers the question of who. Who is being God or who is doing what? And predicate answers the question of who is God or did God. There is a slight mistake here. This line does not exist. We have one more sentence. I came to the class. So again we have an object verb-based sentence. So we have action. Is everybody participating? Yes. We have verb. You all agree we have verb. We have subject. Who is answered by subject. And then do we have object? Yes. Okay. Object of verb.
What is this? Predicate. Okay. Predicate is apart from subject. Anything apart from subject. So if you see subject is here, then this whole thing is predicate. All the things apart from subject are predicate. Can you say, I'll give the class, just like here? This is also past tense, simple past tense verb, and this is also simple past tense verb. Can we say, I gave the class? So there are certain verbs that cannot be used without the help of a preposition. I went to the college. But there are certain verbs for which preposition is not required. For example, I opened the door. Can you have some examples in which you don't require a preposition? I wrote a book. Preposition is not required. So these are two different types of verbs. Two different types of verbs. So if there is a verb that doesn't require the help of a preposition, then the object is called direct object. And if there is an object that requires, or the verb that requires a preposition to convey the meaning, then they are called indirect objects. And you map these two objects differently because you also need to map the preposition. So this template you will use for mapping direct object. Now how will you do it? I open the door. So I will map it here. Are you able to see this side of the board, everybody? So I have horizontal line here, this is called the baseline, then we have this vertical line separating subject and predicate. So according to this sentence, where is the subject? I yes. Then where is the verb? Open. It comes immediately after this line. Open. Are you able to understand my handwriting? Yes. Open. Open what? We have a small line not crossing the baseline, just above the baseline. And what comes after this line is direct object, as you see here. So what is the direct object here? Now let us go back and understand those lines below the baseline, the slanting lines. Okay. Now before we understand that, here let me just recap for you that we are using a direct object template. So verb, you can see the sentence is verb based sentence. And in verb, we are using a template for direct object, mapping direct objects. So we have subjects on the left side of this and predicate on this whole thing is predicate. Whatever comes after this line is predicate. So you can actually visually see the shape and size of the predicate, even in complex sentences. And the diagram becomes very complex, but visually very meaningful. Very meaningful visually. So let us understand what actually are supposed to come on those slanting lines. You will have modifiers. Modifiers, if you know, are the words that modify other words. Some words modify verbs. Some words modify nouns. Some words specify whether you are talking of a specific thing or you are talking of a general thing. You are talking of a proper noun or a common noun. Sometimes these modifiers try to quantify the
and come to the nouns. Different types of modifiers are there. But broadly you will see, you will have these two very prominent modifiers. One that modifies verb, another that modifies noun. For example, ball or board is a noun, white board. So the word white modifies board. It makes its definition more clear, more appropriate. White board. You can add more word. You can say small white board. Small and white, both are modifying the modifying what? Not object. The noun. Board is the noun. Please understand. I'm sure you will learn this very quickly. Board is the noun. White is the word that modifies it. Small is the word that modifies it. Now I will tell you one example. Small, yellowish white board. Or small, pale white board. We also call that off-white. So white is modifying board, small is modifying board, but the word pale is modifying the word white. It is actually telling you which kind of white, which kind of board? Pale white board, small pale white board, right? So sometimes these modifiers also modify the words which modify others. That means they are modifiers for adjectives. Then modifiers that modify or that influence verbs. Came is a simple past tense word, came or went. Went fast. How? Fast. Can you go to the modifier slide? One more? Yes, here. Adjectives and adverbs. Affects nouns and pronouns. They describe the verbs, adjectives and other adverbs. Which one, what kind or type, how many, whose, these all questions are answered by adjectives. How, when, where, why, to what extent, these questions are answered by adverbs. When, now, today, tomorrow, these are all adverbs. Where, those are answered by adverbs. So these are basic types of modifiers, and we use these modifiers below the slanting lines. Can you go back to the two slides before? For example, here, if I want to write my best friend, I'm sorry, there is no space here. So, friend is the noun. Friend. What kind of friend? Best friend. And what else? My best friend opened the door. This is just a basic example. And now coming back to here, I will only put the door here. Which door? You are talking of a specific door. You are not talking of a general door. Otherwise you would say, my best friend opened a door. If it is any door, you say my best friend opened a door. But you are talking of a specific door here. Right? You will say, my best friend opened the door. Right? And some modifiers are also articles. Right? Do we have articles here? The. We have two articles, the, that specifies things. And the generalizes things. A or an, same article. Right? So they come up here.
lot of exercises are needed, you need certain level of practice to map any unknown symptoms. And once you are able to do that, you are able to, are you able to see the whole sentence and then see individual parts? You saw verbs, you mapped verbs, the direct objects, articles, and all things at one place, and also looking at the individual parts. That is the beauty of sentence diagramming. So thank you very much for attending this session, and if you are interested in learning more about this, you can contact Mr. Samar, who will let you know how we can go ahead and discuss amazingness of sentence diagram, and you will have a very great time learning that. Thank you very much. Good afternoon. It was so helpful to us, and it helped us in many ways how to learn grammar. English class was also very good, and we learned many basics in Telugu also. It was so hard for us before, but now it's so easy for us. And I think it's very helpful. The other students should also come and join this. And Samad sir is so good in Telugu. He taught us many things. After getting this class, we feel so happy. We feel so happy because Samad sir is teaching well. वी हम सब कुछ सीख रहे हैं और उनके वजह से उन्होंने इजी स्टेप्स बताए एग्जाम के लिए स्पेशली फर्स्ट ऐसे कि आज से उन्होंने क्लासेस दिए हम लोग सीखे और इनविटेशन सब कैसा हाउ टू प्रिपेयर द एग्जाम्स ही टीच वेल और आई ग्रेटली थैंक्स टू समा सर फॉर टीचिंग एंड मोहम्मद राफुद्दीन सिद्दीकी फ्रॉम ऑल चाइल्ड हाई स्कूल इट वाज वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग व्हिच आई हैव अटेंडेड हियर फॉर बोथ द सब्जेक्ट तेलुगु एंड मैथ्स तेलुगु एंड इंग्लिश and it was extremely good. I have got many things to learn. I am from Brady Mission High School. I am come from semester classes. The semester teach very well. I prepare a first essay paper. Telugu, I not got Telugu, but I read Telugu very well because of semester. Semester teach very well, and I can understand the Telugu, but I can't understand because the semester, thanks to teach the classes and thanks to prepare Telugu paper. Thank you, sir. Assalamualaikum. My name is Samadhan. This is my teaching profession. My 30 years of experience. 30 years or more. And alhamdulillah, these programs are coming. Our जितना तकरीबन यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उर्दू सॉरी तेलुगु सब्जेक्ट को लेकर बहुत डर में रहते डर खौफ में रहते तो उनका डर अल्हम्दुलिल्लाह हम दूर करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसमें कामयाबी हो रही और कई बच्चे आ रहे हैं सीख रहे हैं और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं ये हमको बहुत बड़ी खुशी होती है और यहाँ पर जो इतनी तादाद में बच्चे आ रहे हैं तो ये पूरे खाली तो ये प्रोग्राम के साथ साथ हमारे 10th क्लास के बच्चों के लिए इंग्लिश का भी थोड़ा इंग्लिश में कैसा आसानी के साथ मार्क्स हासिल कर सकते हैं इंग्लिश किस तरीके से कितने आसानी के साथ सीखी जा सकती और ये सारी चीज़ें भी बताया गया और इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हमारे बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा बल्कि हम भी उम्मीद करते हैं शुक्रिया